Hello back to the Last हम बात करने वाले हैं रेशियो एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके फॉर्मूलाज तो ये फॉर्मूलाज को किस तरीके से याद रखे कितने टाइप के रेशोज होते हैं ये फॉर्मूलाज जो आपको एग्जाम से रिलेटेड काफी इम्पोर्टेंट uh, है इस चैप्टर से रिलेटेड तो वो सारी चीजों के बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और ये फॉर्मूलाज को आप किस तरीके से याद रख सकते हैं बिकॉज सारे फॉर्मूलाज को अगर हम हार्ट करेंगे तो इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट फॉर अस टू रिमेम्बर ऑल द फॉर्मूलाज बिकॉज जैसे हमने लास्ट पार्ट देखा है कि हमने वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट एक सिंपल तरीके से कैसे याद रखना है वो सीखा था वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसे याद रखना है वो भी सीखा था एज वेल एज आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि बैलेंस शीट वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट इसी से जो रेशियोज कंस्ट्रक्ट होते हैं जो आपके रेशियो एनालिसिस के टॉपिक में कवर होते हैं उसको किस तरीके से याद रखें ताकि ये चैप्टर से जो भी रेशियोज कैलकुलेट होंगे वो आपको फुल मार्क्स आपके पेपर में दे सकते हैं तो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट थ्री टाइप्स ऑफ रेशियोस नंबर वन बैलेंस शीट रेशियो नंबर सेकेंड इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशियो एंड नंबर थर्ड हमारा कंसोलिडेटेड या कंबाइंड रेशियोस तो चलते हैं स्क्रीन पे और स्क्रीन पे देखते हैं कि कौन से फॉर्मूलाज को हम कैसे याद रखें और उसमें क्या क्या चीजें आती है तो अभी हम पढ़ेंगे रेशियोस के बारे में आपको पता ही होगा कि रेशियोस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ओवरऑल अगर कंपनी का हमको पोजिशन फाइंड करना है पोजिशन देखना है तो हमें कंपनीज के रेशोज से हम कंपनीज का इजीली पोजीशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिकॉज एक बड़े बड़े अमाउंट्स अगर आपके पास दिखेंगे तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा कंपनी की पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए इसीलिए अभी हम देखेंगे एग्जैक्टली कि रेशो जो है रेशो एनालिसिस इसमें जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रेशोज है अगर हम सबसे पहले रेशो की बात करें तो दैट इज़ कॉल्ड एज़ बैलेंस शीट रेशियोज़ ठीक है बहुत ही सिंपल है ध्यान से बैलेंस शीट रेशियोज़ के बारे में भी बताऊंगा अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपका पूरा रेशियो एनालिसिस के जितने भी फॉर्मूलाज है सारे आपको याद भी रह जाएंगे एज वेल एज़ आपका ये फार्मूलाज रिवाइज भी हो जाएंगे देखो अगर हम बैलेंस शीट रेशियोज़ की बात करें तो बैलेंस शीट रेशियोज़ में इसको ए मार्क कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए प्रॉपरली ये हमारा जो है पहला है ए एंड दैट इज अवर बैलेंस शीट रेशो बैलेंस शीट रेशो में सबसे पहला जो हमारा रेशो है दैट इज कॉल्ड एज करंट रेशो ठीक है बहुत ही सिंपल है ये फार्मूला कोई भूलता ही नहीं है बिकॉज करंट रेशो के अंदर हमारे दो कंपोनेंट्स है करंट रेशो के अंदर हमारे दो कंपोनेंट्स है एक है हमारा करंट असेट्स और दूसरा है हमारा करंट लाइबिलिटीज तो बहुत ही सिंपल है अगर आपके करंट रेशो में दो कंपोनेंट्स हैं करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज तो करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज का ही आपको रेशो लेना है तो आपका फॉर्मूला बनेगा करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज ठीक है इसका एक स्टैंडर्ड रखा है वो भी मैं बताता हूँ स्टैंडर्ड रखा है कि करंट रेशो जो है वो टू इस ज्यादा होना चाहिए टू इज़ टू वन का एक स्टैंडर्ड रखा है वो आपको याद रखना है स्टैंडर्ड मीन्स वो बेसिकली एक्सपर्ट्स uh, जो होते हैं वो एक्सपर्ट्स ने कहा है कि टू इज़ टू वन एक फेवरेबल रेशो माना जाएगा तो ये हमारा सबसे पहला रेशो है करंट रेशो इसके बाद जो हमारा रेशो है दैट इज़ कॉल्ड एस एसिड टेस्ट रेशो ठीक है नाम थोड़ा सा डिफरेंट है एसिड टेस्ट रेशो बोल सकते हैं इसको एक दूसरा नाम आता है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एस लिक्विड रेशो या फिर सबसे सिंपल नाम दैट इज कॉल्ड एज क्विक रेशियो ठीक है काफ़ी सिंपल पॉइंट्स है, एसिड टेस्ट रेशियो कह सकते हैं लिक्विड रेशो कह सकते हैं या क्विक रेशो कह सकते हैं काफ़ी सिंपल इसका भी फॉर्मूला है इसमें भी दो कंपोनेंट्स हैं हमारे एक है हमारा क्विक असेट्स और दूसरा है हमारा क्विक लाइबिलिटीज तो आपका फार्मूला क्या बनेगा क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय क्विक लाइबिलिटीज इसका भी स्टैंडर्ड आपको याद रखना है स्टैंडर्ड है इसका वन इज टू वन तो वन इज टू वन विल बी द स्टैंडर्ड फॉर एसिड टेस्ट रेशो एसिड टेस्ट रेशो इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्विक रेशो या इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिक्विड रेशो तो यह हमारा सेकेंड रेशो हो गया बैलेंस शीट का फिर हमारा जो तीसरा रेशो है थर्ड रेशो बैलेंस शीट का है दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशो ठीक है क्या है स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशो देखो अगर हम इस स्टॉक वर्किंग कैपिटल की बात करें तो वी आर हैविंग हाउ मनी कंपोनेंट्स इन दिस इसमें हमारे दो कंपोनेंट्स हैं एक है हमारा स्टॉक बट यहाँ पे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लेने वाले हैं और एक है हमारा वर्किंग कैपिटल तो आपका फार्मूला बहुत ही सिंपल बन जाएगा आपका फार्मूला बनेगा क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल तो इसको हम परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं तो हम इसको इन टू हंड्रेड करेंगे इवन इफ यू कैलकुलेट इन परसेंटेज इट विल बी ओके और अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट नहीं करते हो डायरेक्टली लिखते हो तभी भी चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें यह था हमारा बैलेंस शीट का थर्ड रेशो फिर हमारा बैलेंस शीट का जो फोर्थ रेशो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लीकेटेड बिकॉज फार्मूला में थोड़ा कैलकुलेसन आपको करना पड़ेगा फॉर्मूला है आपका रेशो है पहले प्रोप्राइटरी रेशो ठीक है प्रोप्राइटरी रेशो प्रोप्राइटरी रेशो प्रोप्राइटरी रेशो का मतलब क्या है जो शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट करते हैं हाउ डू वी कैलकुलेट शेयर होल्डर फंड इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंसर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस मिसेलेनियस एक्सपेंसेस तो इफ यू सी दिस प्रोप्राइटरी रेशो कैसे मिलेगा प्रोप्राइटरी रेशो बहुत ही सिंपल है फॉर्मूला बनेगा प्रोप्राइटर फंड्स का मतलब क्या क्या होता है? है? है है। कैसे मिलता है? वो भी लिखता हूँ। इक्विटी में क्या करना है आपको? करना आपको? और जो आपका मिसलेनियस that is also called as fictitious assets, वो लेस करना है ठीक है इसको डिवाइड करना है हमारे टोटल एसेट्स के साथ किससे डिवाइड करना है टोटल असेट्स के साथ डिवाइड करना अभी यहाँ से कन्फ्यूजन शुरू होगा कि टोटल असेट्स में क्या क्या आता है बहुत ही सिंपल है आपको ध्यान रखना है टोटल असेट्स में आएगा फिक्स असेट्स ठीक है प्लस इन्वेस्टमेंट्स कभी कभी इन्वेस्टमेंट्स भी रहेगा प्लस करंट असेट्स तो फिक्स असेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट्स प्लस योर करंट असेट सिर्फ मिसलेनियस एक्सपेंस कभी बैलेंस शीट के असेट साइड में दिया रहेगा वो हम लोग नहीं लेंगे तो आपको याद रखना है प्रोपराइटरी रेशियो कैसे मिलता है प्रोपराइटर फंड्स डिवाइड बाय टोटल असेट्स और इसको भी आप परसेंटेज में ले सकते हैं इन टू हंड्रेड हम करेंगे इसको दैट विल बी प्रोप्राइटरी रेशियो तो ये हमारा फोर्थ रेशियो हुआ बैलेंस शीट का देन हम आगे बढ़ेंगे हमारे बैलेंस शीट का जो नेक्स्ट रेशियो है दैट इज द फिफ्थ रेशियो दैट इज कॉल्ड एज डेट इक्विटी रेशियो काफ़ी सिंपल है द बैलेंस शीट का रेशियो क्या है नेक्स्ट वन डेट इक्विटी रेशियो देखो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो वी आर हैविंग टू कंपोनेंट्स इन दिस वन इज डेट एंड अनदर इज इक्विटी अभी इसमें कन्फ्यूजन ये होता है कि डेट का मतलब क्या है तो डेट का मतलब होता है बोरोड फंड्स ठीक है और इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड शेयर होल्डर फंड्स बोलो या प्रोप्राइटर फंड्स बोलो तो आपका फार्मूला बहुत ही सिंपल है फॉर्मूला बनेगा डेट अपॉन इक्विटी क्या बनेगा फार्मूला डेट अपॉन इक्विटी तो दिस विल बी योर फार्मूला विच यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर बैलेंस शीट डेट इक्विटी रेशियो तो डेट अपॉन इक्विटी डेट मतलब बोर फंड इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड हमारा जो आखिरी रेशो है बैलेंस शीट का दैट इज दिक्स रेशो दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल गियरिंग रेशो ठीक है काफी सिंपल पॉइंट है इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं अपने पास ताकि ये फॉर्मूलाज आपके रिविजन हो जाए आपके मोबाइल में रहे कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला भी काफी सिंपल है तो इसका फॉर्मूला कैसे याद रखना है देखो कैसे याद रखना है आपको क्या क्या लेना है शेयर कैपिटल प्लस बोरोड फंड्स क्या लेना है शेयर कैपिटल प्लस बोरोड फंड्स डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स ध्यान से हाँ अभी कैसे याद रखना है प्रेफरेंशियर कैपिटल में क्या याद रखना है आपको बोरोड फंड्स को प्लस करना है और इसके बाद क्या करना है डिवाइड करना है इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स के साथ ना व्हाट इज द इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स यहाँ पे कंफ्यूज मत होना इक्विटी शेयर कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस प्लस करना है और आपको मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या करना है माइनस करना है तो इफ़ यू एड इक्विटी प्लस रिजर्व माइनस मिसलेनियस यू विल गेट द इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स वाई वी आर नॉट एडिंग प्रेफरेंस क्योंकि हमने प्रेफरेंस ऊपर ले लिया है तो ऐसे आपके छह रेशियोज बने हमने टोटल छह रेशियोज अभी डिस्कस किए पहला था करंट रेशियो करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज दूसरा था एसिड टेस्ट दैट इज क्विक रेशियो क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय क्विक लाइबिलिटीज देन स्टॉक वर्किंग कैपिटल क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल प्रोपराइडरी रेशो प्रोपराइडर डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स देन डेट इक्विटी रेशियो एंड देन यूअर कैपिटल गियरिंग रेशियो तो ये छह रेशो आपके हो गए बैलेंस शीट के रेशोज तो ये कौन से हो गए आपके बैलेंस शीट के रेशोज हो चुके हैं अभी अगर हम आगे की बात करें तो आगे हमारा कौन सा रेशो आएगा आगे हमारा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रेशोज विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इनकम स्टेटमेंट ठीक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रेशोज की अगर हम बात करें तो वो हमारे बनेंगे इनकम स्टेटमेंट के रेशोज तो मैं आगे आपको इनकम स्टेटमेंट के रेशोज बताता हूँ तो अभी हम इनकम स्टेटमेंट के रेशोज के बारे में डिस्कस करेंगे इनकम स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस तो इनकम स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट रेशोज़ विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज यूअर प्रॉफिट एंड लॉस रेशोज़ ठीक है इसके लिए याद रखने का एक तरीका बताऊँगा ध्यान से काफ़ी सिंपल है इसके लिए तरीका क्या है तरीका इसके लिए ये है कि आपको जो भी पॉइंट ये रेशोज़ में आने वाला है जैसे कि आपको इसका बेस याद रखना है जो भी इनकम स्टेटमेंट के रेशोज़ आते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपका डिनोमिनेटर होता है डिनोमिनेटर मतलब जिससे हम डिवाइड करते हैं उसमें नेट सेल्स ही आएगा और इनकम स्टेटमेंट के जितने भी रेशोज होते हैं वो सारे हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं वी आर कैलकुलेटिंग ऑल द इनकम स्टेटमेंट रेशियोज इन टू जैसे कि हमारा सबसे पहला रेशो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्या है पहला रेशो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो फॉर्मूला बनेगा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड तो देखो मैंने डिनोमिनेटर में नेट सेल्स लिखा है राइट right? बहुत ही सिंपल है तो ये ज़्यादा याद रखने की जरूरत ही नहीं है सिर्फ आपको पॉइंट देखना है वो पॉइंट आ जाएगा और नीचे आपको नेट सेल्स से डिवाइड करना है नेक्स्ट हमारा जो रेशो है वो थोड़ा सा आपको ऊपर का न्यूमरेटर याद रखना है आपका रेशो बनेगा ऑपरेटिंग रेशो ठीक है क्या है ऑपरेटिंग रेशो फॉर्मूला बनेगा सीओ जी सी ओ का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो आप ट्रेडिंग से कैलकुलेट करते हो प्लस टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं इफ़ यू रिमेंबर आपके फॉर्मेट में मैंने तीन एक्सपेंसेस आपको बताए थे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंशियल एक्सपेंस तो इन दोनों को क्या करोगे आप ऐड करोगे और हमेशा हमारा डिनोमिनेटर फिक्स है नेट सेल से डिवाइड करना है इन टू हंड्रेड लेना है दैट इज योर रेशो नंबर सेकेंड रेशो नंबर अगर थर्ड की बात करें तो रेशो नंबर थर्ड है आपका एक्सपेंसेस रेशो एक, एक ही पॉइंट बताता हूं इसमें फिर बाकी के आप इजीली ढूंढ सकते हैं अगर हम एक्सपेंसेस रेशियो की बात करें तो वी आर हैविंग इंडिविजुअल एक्सपेंसेस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंशियल तो कभी कभी आपको इंडिविजुअल एक्सपेंसेस के रेशो पूछते हैं तो अगर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का रेशो पूछा तो आप क्या करोगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइड बाई नेट सेल्स इंटू हंड्रेड अभी हम क्या करेंगे जो भी आपके एक्सपेंसेस रहेंगे वो लेंगे एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाई नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड तो स्टेटमेंट रेशियोज विल बी ऑलवेज कैलकुलेटेड इन परसेंटेज वो आपको ध्यान रखना है और ये ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज इसको आपको डिनोमिनेटर में सेम लेना है डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है नेट सेल्स ही लेना है दैट इज योर एक्सपेंसिस रेशो नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेट प्रॉफिट रेशो ठीक है नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा नेट प्रॉफिट रेशो अभी नेट प्रॉफिट रेशो में एक कन्फ्यूजन ही होता है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले या आफ्टर टैक्स ले तो इसमें आप क्या कर सकते हैं इसमें आप दोनों भी कैलकुलेट कर सकते हो तो तो हम क्या कर सकते हैं हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को नेट सेल से डिवाइड कर सकते हैं इंटू हंड्रेड ले सकते हैं या फिर और हम दूसरा भी कैलकुलेट करेंगे दोनों कैलकुलेट आप कर सकते हो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले सकते हो उसको डिवाइड कर सकते हो नेट सेल्स के साथ इंटू हंड्रेड कर सकते हो तो डोंट गेट कन्फ्यूज इन नेट प्रॉफिट रेशियो यू कैन कैलकुलेट बोधस राइट उसके बाद हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस का एक और एक टर्न ओवर का भी रेशो है इसमें तो वो भी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको टर्न ओवर के भी पॉइंट्स बता सकूँ तो हमारा पॉइंट नंबर फिफ्थ है स्टॉक टर्न ओवर रेशो ठीक है स्टॉक टर्न ओवर रेशो एक्चुअली टर्न ओवर रेशो टोटल तीन है तो स्टॉक टर्न ओवर रेशो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ सेल्स दैट इज योर सी ओ जी एस तो यहाँ पे सी ओ जी एस लिख देता हूँ सी ओ जी एस डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ठीक है, आपके पास रहेगा आपका opening stock. Question में, उसमें आपको डिवाइड करना है टू से अगर ओपनिंग और क्लोजिंग को प्लस करके डिवाइड करेंगे टू से तो आपको एवरेज स्टॉक मिल जाएगा फिर कभी कभी इसमें आपको स्टॉक की वेलोसिटी भी ढूंढने बोलते हैं क्या बोलते हैं स्टॉक वेलोसिटी तो आपको याद रखना है स्टॉक वेलोसिटी अगर ढूंढने बोले तो आपको क्या करना है ये जो आपको स्टॉक टर्नओवर रेशो आएगा वो आपको एक चीज याद रखनी है हमेशा टर्नओवर रेशो का जो भी आंसर होता है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड इन टाइम्स वो टाइम्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको याद क्या रखना है आपको पूरे साल में कितने डेज होते हैं थ्री सिक्सटी फाइव अगर डेज में कैलकुलेट करेंगे पूरे साल में कितने मंथ्स uh, होते हैं ट्वेल्व मंथ्स और पूरे साल में कितने वीक्स होते हैं फिफ्टी टू ठीक है 52, इन तीनों में से आपको एक ही लेना है यूजुअली डेज में हम लेंगे और डिवाइडेड बाय तुम्हारा जो स्टॉक टर्न ओवर रेशो रहेगा वो लेंगे कभी कभी क्वेश्चन कहता है कि ट्वेल्व मंथ्स में कैलकुलेट करो तो ट्वेल्व से स्टॉक टर्न ओवर रेशो को डिवाइड करेंगे कभी कभी कहता है कि विक्स में कैलकुलेट करो तो विक्स में विक्स को मतलब फिफ्टी को एस से डिवाइड करेंगे तो दीज आर ऑल दी फॉर्मूलाज ऑफ अवर इनकम स्टेटमेंट तो अभी हमने दो टाइप के रेशोस को सीख लिया एक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रेशो एक है हमारा बैलेंस शीट का रेशो और इसके बाद जो हम अभी करेंगे दैट विल बी योर कंबाइंड या कंसोलिडेटेड रेशो आई होप कि आपको इसमें से सारी चीज़ें रिवाइज हो रही है अगर रिवाइज़ हो रही है ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर ले ताकि यूट्यूब जो लाइक करते हैं उसी को आगे प्रमोट करता है और जितना आप लाइक करेंगे उतना बाकी लोगों को भी उससे बेनिफिट मिलेगा उनका भी इससे रिविजन हो जाएगा तो दैट इज़ द मेन पर्पज ऑफ लाइकिंग द वीडियो बाकी कुछ उससे इंपॉर्टेंट नहीं है फर्दर अगर हम बात करें हमारे थर्ड टाइप के रेशोज़ की तो वो होता है हमारा कंबाइंड रेशो ठीक है तीसरा वाला और आखिरी है कंबाइंड रेशोज़ कंबाइंड रेशोज़ को हम कंसोलिडेटेड रेशोज़ भी कहते हैं तो अगर हम कंबाइंड रेशोज़ की बात करें तो सबसे पहले हमारा कंबाइंड रेशो अगर हम कंबाइंड रेशोज़ की बात करें तो सबसे पहला जो हमारा कंबाइंड रेशो है दैट यू हैव टू रिमेंबर अभी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ध्यान से सबसे पहला हमारा जो रेश रेशो है कंबाइंड का वो है रिटर्न ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ठीक है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कह सकते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी सिंपल फार्मूला है फॉर्मूला है आपका पी बी आई टी पी बी आई टी इज़ वॉट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स उसको आपको डिवाइड करना है कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ मल्टीप्लाई करना है हंड्रेड के साथ ठीक है परसेंटेज में आएगा आप ध्यान रखना हाउ टू कैलकुलेट पीबीआईटी तो पीबीआईटी कैसे कैलकुलेट करें इसमें कंफ्यूजन होता है तो आपको क्या करना है आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है और उसमें आपको इंटरेस्ट को प्लस करना है इंटरेस्ट कौन सा जो इंटरेस्ट आपने फाइनेंशियल एक्सपेंस में लिखा होगा या जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स होता है एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट होता है वो सारे पॉइंट्स को आपको इसमें ऐड करना है मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अगर आप इंटरेस्ट को ऐड कर लोगे तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इस तरीके से कैलकुलेट होगा हमारा सेकेंड जो रेशो है दैट इज रिटर्न ऑन प्रोपराइटर्स इक्विटी ठीक है ध्यान से बैलेंस शीट में प्रोपराइटर्स फंड पड़ा था इसमें आता है रिटर्न ऑन प्रोपराइटर्स इक्विटी बहुत ही सिंपल है फॉर्मूला बनता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या बनेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय प्रोपराइटर फंड्स प्रोपराइटर फंड्स कैसे ढूंढते हैं आपको मैंने पहले ही बताया इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंसेस तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा और ये आप परसेंटेज में ढूंढ सकते हैं इन टू हंड्रेड करना है आपको तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी हमारे दो कंसोलिडेटेड के रेशोज है फिर आगे बढ़ते हैं हमारा जो तीसरा रेशो है थर्ड रेशो थर्ड रेशो है रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल देखो तीनों में रिटर्न वर्ड है रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल तो रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल फॉर्मूला बनेगा प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर क्या बनेगा फॉर्मूला प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड ठीक है ये प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर ऐसा क्यू क्यों कहें कभी कभी आपके क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड दिया रहता है तो हम क्या करते हैं हमारे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करते हैं दैट इज तो अप्रोप्रिएशन में से आपको क्या करना है प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर देना है तो फिर वो प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स का रहेगा उसको हम हमारे पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल से डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट आंसर ओके तो दैट इज द कैलकुलेशन आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू तो ये था हमारा थर्ड रेशियो अगर हम हमारे फोर्थ रेशियो की बात करें तो एक फोर्थ रेशियो इसी से रिलेटेड होता है विच इज कॉल्ड एज ईपीएस ठीक है ईपीएस ईपीएस इज अर्निंग पर शेयर फॉर्मूला बनेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है ऊपर भी हम लोग यही कर रहे थे तो मैंने यहां पे वो लिखवाई दिया आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यहाँ पे इक्विटी शेयर्स का अमाउंट नहीं लेना है पहली बात और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड नहीं करना है बिकॉज ई जो आएगा दैट विल बी पर शेयर दैट इज द मेन पॉइंट बिच यू हैव टू रिमेंबर ओके फिर हमारा जो नेक्स्ट रेशियो है कंसोलिडेटेड रेशो में दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंट पे आउट रेशियो ठीक है काफी सिंपल है डिविडेंट पे आउट रेशो क्या है डिविडेंड पे आउट रेशो तो फॉर्मूला क्या है जो भी आपका इक्विटी डिविडेंड रहेगा डिविडेंड पे आउट रेशो कैसे मिला इक्विटी डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्रॉफिट टू इक्विटी शेयर होल्डर मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड तो इक्विटी शेयर होल्डर को जो भी प्रॉफिट बचेगा वो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे नेक्स्ट जो हमारा रेशो है दैट इज ऑल्सो एन कंसोलिडेटेड रेशो लर्निंग कंसोलिडेटेड तो हमारा रेशो है डेट सर्विस रेशो ठीक है कौन सा है डेट सर्विस रेशो तो इसके लिए क्या बनेगा फॉर्मूला वही हमारा पहले वाला पीबीआईटी पीबीआईटी इज व्हाट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इसको आपको डिवाइड करना है किसके साथ इंटरेस्ट के साथ तो हाउ डू वी गेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मैंने बताया आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है उसमें प्लस करना है इंटरेस्ट को तो आपको मिलेगा पीबीआईटी तो पीबीआईटी विल बी कैलकुलेटेड एस प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट तो दीज आर द सिक्स रेशियोज विच यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम यूर कंसॉलीटेड रेशियोज तो आपको कंसोलिडेटेड से ये छह रेशियो को याद रखना है Uh, और हमने इसके पहले जो रेशोज़ पढ़े थे बैलेंस शीट के और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के वो भी आपको याद रखने हैं तो आई होप कि दिस फार्मूलाज आर क्लियर टू यू कंबाइंड रेशोज़ थोड़े आपको फार्मूलाज uh, को रिवाइज़ करने करता रहना पड़ेगा बिकॉज रिवाइज़ जितना ज़्यादा करोगे उतना आपको ये रेशोज़ याद रहेंगे तो दीज आर द रेशोज़ वी हैव स्टडीड कंबाइंड रेशोज़ वी हैव स्टडीड इनकम स्टेटमेंट रेशोज़ एंड वी हैव ऑल्सो स्टडीड दी बैलेंस शीड रेशोज़ आई होप दिस वीडियो वॉज इंटरेस्टिंग और आपको इसमें से सारी चीज़ें रिवाइज हुई है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अगर चैनल पे पहली बार आओ तो सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही आपको नोटिफिकेशंस ऐसे ही रिविजन वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे थैंक यू वेरी मच नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बाय बाय टेक केयर